Hi everyone, welcome to the RM Public School at home e-learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss about revision classes, lesson 5, fifth, and lesson name is My Family. Okay, day 2. हम लोग revision का day 2 करने जा रहे हैं, ठीक है ना? Already मैं day 1 कल आप लोगों को करवा चुका हूँ. आज हम लोग डे टू करेंगे, ठीक है ना? तो आप लोग जल्द से जल्द पेज नंबर 22 निकाल लीजिए, जो यूनिट 2 होगा आपका माय नीड्स, मेरी जरूरत, और लेसन का नाम होगा माय फैमिली. चलिए निकालिए तो बच्चों, जल्दी से प्रिपेयर है आप लोग? चलिए मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, आप लोग बताइए. सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे फैमिली. फैमिली क्या होता है ये जानेंगे, ठीक है ना? फैमिली क्या होता है बताइए बच्चों. फैमिली इट मींस होता है बाबू परिवार. फैमिली का मतलब क्या होता है? परिवार. परिवार क्या होते हैं? तो परिवार वो होते हैं जो कंसिस्टेंस ऑफ फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रेन. और भी हो सकते हैं आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड देयर चिल्ड्रेन, उनके बच्चे. परिवार जो होता है जिसमें माता और पिता और उनके बच्चे, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? परिवार कहलाते हैं. और अगर बिग फैमिली हो तो उसमें दादा दादी भी आ जाएंगे, और स्मॉल हो तो सिर्फ उनके माता पिता और उनके बच्चे. रही बात तो ये क्लासिफिकेशंस की, क्लासिफिकेशंस यानी वर्गीकरण के आधार पर हम फैमिली अलग अलग देखते हैं. बिग फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, और आपका स्मॉल फैमिली. वही न्यूक्लियर फैमिली इज आल्सो कॉल्ड स्मॉल फैमिली. और नेक्स्ट आपका जो होता है वो ज्वाइंट फैमिली होता है. ज्वाइंट फैमिली की बिग फैमिली से भी बिग फैमिली होता है. इसमें दादा दादी वगैरह, पापा मम्मी, चाचा चाची, अंकल एंड सब कोई रहते हैं. तो वो बाद में हम देखेंगे. इससे पहले हम लोग कुछ फैमिली से, अब फैमिली जानेंगे फैमिली क्या होता है. तो फैमिली में फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन होते हैं, कंसिस्ट जुड़े होते हैं, वो फैमिली कहलाता है, वो परिवार कहलाता है. इसमें हम लोग देखेंगे बाबू सबसे पहले कि कुछ मेंबरशिप के बारे में जानेंगे, टर्म्स के बारे में, जो मैंने कल आप लोगों को कराया था. आज मैं आप लोग से पूछूंगा, आप लोग बताएंगे. सबसे पहले बाबू आप बताओ पेरेंट्स क्या होता है और गार्जियंस क्या होते हैं. दोनों एक साथ तो नहीं कर सकते है ना. तो सबसे पहले पेरेंट्स बताइए कि पेरेंट्स क्या होते हैं. पेरेंट्स क्या होता है बताओ. पेरेंट बोलिए. हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं गलत है यार, पेरेंट्स वो नहीं होते हैं. पेरेंट्स क्या आपके भैया, ये भैया, अंकल, आंट्स, ये सब होंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होंगे. हाँ पेरेंट्स ये होंगे, क्या होंगे? फादर एंड मदर. फादर और मदर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? पेरेंट्स होते हैं. माता और पिता, माता और पिता क्या होते हैं? हमारे पेरेंट्स होते हैं. गार्जियंस क्या होते हैं बाबू? गार्जियंस बताइए क्या होते हैं. हाँ नहीं वो हो सकते हैं, माता पिता भी गार्जियंस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि गार्जियंस भी माता ही पिता होंगे. क्या माता पिता हमारे गार्जियंस हैं, लेकिन उनके अलावा भी गार्जियंस होते हैं. माता पिता को जनरली पेरेंट्स की उपलब्ध रखा गया, उनको पेरेंट्स हम लोग होते हैं. गार्जियंस भी होते हैं हमारे, वो ऐसे नहीं कि वो गार्जियंस नहीं होते. हाँ लेकिन पेरेंट्स और गार्जियंस में थोड़े से अंतर है. वो क्या अंतर है बाबू? तो पेरेंट्स जो होता है वो माता पिता होते हैं, वो गार्जियंस भी होते हैं, लेकिन गार्जियंस के साथ कंडीशन ये है कि आपके बड़े भाई जो होंगे वो भी आपके गार्जियंस कहलाएंगे. आपसे एल्डर, आपसे जो भी बड़ा हो, वो चाचा हो, चाची हो, दादा हो, दादी हो, पापा हो, मम्मी हो, भैया भाभी, कोई भी हो, बहन भी हो आपकी, अगर वो आपसे बड़े हैं तो आपके गार्जियंस की उपाधि रखते हैं, वो आपके गार्जियंस कहलाएं. लेकिन पेरेंट्स होंगे वो फादर और मदर होंगे. मैं आशा करता हूं ये हो कि आप लोग जरूर इस बात को समझ गए होंगे कि पेरेंट्स और गार्जियंस क्या होते हैं और दोनों में क्या अंतर होता है. समझ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे कि तुम्हारा फादर, ये सॉरी अंकल्स क्या होते हैं.
अंकल से बताओ क्या होता है। हाँ अंकल्स को हम लोग चाचा जी बोलते हैं हिंदी में, क्या तो वो अंकल्स कौन होते हैं? तो फादर्स ब्रदर। अंकल कौन होते हैं बाबू? फादर्स ब्रदर यानी पिताजी के भाई। आंट क्या होंगी? तो पिताजी की बहन भी हो सकती है और आपके ये फादर वो आपके अंकल की वाइफ होगी। अंकल्स होंगे चाचा, फादर्स ब्रदर यानी पिताजी के जो भाई अंकल, और उनकी जो वाइफ हुई वो कौन हो जाएगी? वो आंट हो जाएंगे। तो अंकल्स वाइफ जो होते हैं बाबू वो क्या हो जाते हैं? हमारे आंट कहलाते हैं। तो ये सारे मैटरनल अंकल कौन होंगे? मैटरनल अंकल तो मैटरनल अंकल यानी मामा जी कौन होते हैं? तो मामा जी आपके मदर्स का ब्रदर होते हैं यानी माँ के भाई। तो आप लोगों ने इस टाइप से बहुत सारे टर्म्स कल मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ और समझाया हूँ, आप लोग याद कर लिए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। हाँ किसी प्रकार की इशू होती है, प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है समझने में, तो आप कॉल करके हम समझ सकते हो वैसे, ठीक है। चलते हम लोग बुक पे ध्यान देते हैं। अब फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर मदर एंड चिल्ड्रन, परिवार जो होता है बच्चों वो फादर मदर और उनके बच्चे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं, फैमिली कहते हैं, ठीक है ना बाबू। ये भी ध्यान रखना है टू द पॉइंट ऑफ एग्जाम, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका? एग्जाम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ध्यान रखना है, आप पढ़ोगे आपके पास नॉलेज होगी तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी ना। आपको किसी मान लो जो बड़े हो गया हो, बड़े क्लास में चले जाओ और आपको फैमिली का मतलब ही नहीं मालूम हो तो कोई भी हंसेगा नहीं, देखो इतना बड़ा हो गया इसको तो फैमिली का माने ही नहीं समझ में आता। तो क्या आप बड़े होकर छोटे क्लास में पढ़ना पसंद करोगे क्या? फिर नहीं, तो फिर अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। नॉलेज अब फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर मदर एंड चिल्ड्रन, फैमिली जो होता है फादर मदर और उनके बच्चे होते हैं। आई लव माय फैमिली, बच्चा ही कहता है मैं अपने परिवार से क्या करता हूँ? बहुत प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, कोई भी करता है वो मैं हूँ या आप हूँ या सब कोई संसार के सारे कोई अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है, करना भी चाहिए। अ फैमिली विथ थ्री और फोर मेंबर्स इज कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली। देखो सबसे पहले हम फैमिली क्लासिफिकेशन करेंगे, जानेंगे फैमिली क्या होता है और क्लासिफिकेशन करेंगे। तो फैमिली जो होता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फैमिली, क्या बच्चों? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फैमिली, इट मींस तीन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फैमिली यानी परिवार जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? स्मॉल फैमिली, ऑल्सो न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका बिग फैमिली, कौन सा फैमिली? बिग फैमिली। और नेक्स्ट न्यूक्लियर फैमिली, सॉरी ज्वाइंट फैमिली। कौन कौन सा फैमिली जाने हम? स्मॉल और न्यूक्लियर, या सिर्फ स्मॉल जाना। सेकेंड बिग फैमिली एंड थर्ड ज्वाइंट फैमिली। फैमिली कितना था बाबू? तीन। A small family, बोलो मेरे साथ, A small family, हाँ, big family, हाँ, और joint family, कौन सा family बाबू? Joint family, A small family, big family, joint family, समझ में आ गया? तो अब जानेंगे कि वो small family क्या होते हैं, big family क्या होता है, joint family क्या होते हैं। A family with three or four members is called a small family. जिस फैमिली में, जिस परिवार में तीन या चार मेंबर हो, मेंबर इनमें सदस्य, उस फैमिली को स्मॉल फैमिली कहते हैं। जैसे चार भाई हो, स्मॉल फैमिली बोलोगे? नहीं, सिर्फ फादर मदर का होना अनिवार्य है क्योंकि फैमिली में फादर मदर भी होते हैं। अगर आप लोग चार भाई बहन हो, दो बहन दो भाई हो, तो क्या वो स्मॉल फैमिली है? नहीं, फैमिली है ही नहीं। तो फैमिली क्या है बाबू? फैमिली में फादर मदर का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे बोला थ्री और फोर मेंबर्स वाले परिवार को हम स्मॉल फैमिली कहते हैं। तो थ्री और फोर मेंबर्स क्या क्या होंगे? तो आपके मम्मी होंगी और आपके पापा होंगे, कितने हो गए? दो, और एक बच्चे तीन, तो उसको स्मॉल फैमिली बोलोगे। या तो चार, एक पापा हो गए, एक मम्मी हो गई और तीन दो बच्चे हो गए, तो कितने फैमिली हो गए? चार, सॉरी मेंबर कितने हो गए? चार, तो वो क्या कहलाएंगे आपके? स्मॉल फैमिली। अरे हम लोग
देखते हैं बिग फैमिली। बिग फैमिली क्या होता है? अ फैमिली विथ फाइव और मोर मेंबर्स इज कॉल्ड ए बिग फैमिली। एक फैमिली जिसमें चार पांच और पांच से ज्यादा मेंबर हो, पांच और पांच से ज्यादा मेंबर हो, वो बिग फैमिली कहलाता है। जैसे आपके मम्मी और पापा दो व्यक्ति हो गए, दो मेंबर हो गए, और तीन उनके बच्चे यानी पांच मेंबर हो गए टोटल, तो ये बिग फैमिली कहलाएगा। अब उसमें अपने चाचा जी को नहीं जोड़ लोगे, अपने चाची जी को नहीं जोड़ लोगे, आपके पापा और मम्मी और आपके चाचा जी, चाची जी और एक आप, तो ये बिग फैमिली नहीं कहलाएगा। बिग फैमिली क्या होता है कि माता पिता और उनके बच्चों में अगर मेंबरों की संख्या पांच हो या पांच से ज्यादा हो, वो बिग फैमिली कहलाता है। माता पिता और उनके बच्चे में मिलकर अगर पांच हो या पांच से ज्यादा, वो बिग फैमिली कहलाता है। ऐसा नहीं कि माता पिता, दादा दादी और चाचा चाची सब मिलकर अगर पांच या पांच से ज्यादा तो बिग फैमिली, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। क्या होंगे? तो आप होंगे और आपके भाई बहन होंगे और आपके माता पिता होंगे, वो बिग फैमिली कहलाएगा। ठीक है, अगला ज्वाइंट फैमिली। अ ज्वाइंट फैमिली इज वन व्हिच हैज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स चिल्ड्रन अंकल एंड आंट्स लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली क्या होता है? तो ज्वाइंट फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, आपके पेरेंट्स यानी मम्मी पापा और आप बच्चे उनके यानी आप लोग, अंकल्स आंट्स चाचा चाची लिविंग टुगेदर, अगर सारे कोई एक ही घर में रहते हो और सारे कोई एक साथ मिलजुल कर रहते हो, तो वो क्या कहलाता है? ज्वाइंट फैमिली कहलाता है। समझ में आ गया ज्वाइंट फैमिली क्या होता है? ज्वाइंट फैमिली आपके दादा दादी होंगे, आपके चाचा चाची होंगे, आप लोग होंगे और आपके माता पिता होंगे, वो ज्वाइंट फैमिली कहलाता है। एक ही घर में अगर रहते हो तो, नहीं तो आपके दादा दादी भी हो, चाचा चाची भी हो, मम्मी पापा भी हो, भाई बहन भी हो, सब अलग अलग रहते हो, अलग अलग घरों में। आपके मम्मी पापा अलग घर में, आपके दादा दादी दूसरे घरों में रहते हो, उनका कहीं और घर है, तो सब अलग अलग है, तो वो ज्वाइंट फैमिली नहीं कहलाता है। हाँ, अलग अलग है। अगर बाहर में बना हो कहीं, मान लो एक आदमी गोपालगंज रहता है, एक आदमी शिवानंद रहता है, एक आदमी कहीं और रहता है, और सारे को एक साथ मिलकर एक ही घर रहता है गांव में, गांव में अगर एक ही घर में सारे कोई रहते हैं, तो वो ज्वाइंट फैमिली है। नेक्स्ट, हैप्पी फैमिली शेयर एंड केयर फॉर वन अनदर। देखो, ज्वाइंट फैमिली हो या स्मॉल फैमिली हो या बिग फैमिली, ये कोई मैटर नहीं है कि कौन सी फैमिली है, कौन सी फैमिली खुश रहेगी, कौन सी फैमिली मतलब खुश नहीं रहेगी, ये कोई खास मैटर नहीं है कि वो ज्वाइंट फैमिली ही खुश रहता है, स्मॉल फैमिली ही खुश रहता है, बिग फैमिली ही खुश रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्मॉल फैमिली भी रोते रहते हैं हमेशा दुख, तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये है कि अगर कोई भी फैमिली हो, एक दूसरे का शेयर एंड केयर, एक दूसरे को कुछ साझा करते हो और उनका देखभाल करते हो, मान लो किसी बात की, किसी चीज की जरूरत है उनको, उनको देते हो या उनकी देखभाल करते हो, शेयर एंड केयर करते हो, तो वो फैमिली हमेशा क्या रहता है? हैप्पी रहता है, खुश रहता है। ठीक है ना, अगला टॉपिक जो हम लोग देखेंगे केयरिंग एंड शेयरिंग, जो नेक्स्ट डे देखेंगे, यानी हमारा डे होगा 3 रिवीजन का। तो आप लोग ने आज क्या पढ़ा? तो आप लोगों ने आज पढ़ा कि फैमिली क्या होता है और उनके टाइप्स कितने होते हैं। आप लोगों ने क्या पढ़ा? फैमिली एंड देयर टाइप्स। इससे रिलेटेड आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना, होमवर्क में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज question third, what is called, what is a small family?
Next, question 4. What is a big family? Question 5. Joint family. तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को करने हैं, बनाने हैं ये पांचों क्वेश्चंस को, ठीक है ना, और बनाकर आप लोगों को मेरे पास भेज देने, ठीक है ना, ये सारे पांचों क्वेश्चन। और ये भी ध्यान देना, टू दी पॉइंट्स ध्यान देना बाबू, कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ रहे, एग्जाम आने वाला है ना, फिर एग्जाम होगा आप लोगों का, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इस चीज पे ध्यान देना, ठीक है ना, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी दोनों तरीके से इसको प्रिपेयर करना, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, ओके।